प्रेज द लॉर्ड, आप सबको एक मुलाकात कहानी नहीं सच्चाई में हृदय पूर्वक स्वागत है। पास्टर सरोजा के प्रभावशाली, प्रबल लेकिन साधारण भाषा में प्रभु का वचन सुनकर बहुत से लोग दूर दूर से फोन, एसएमएस, ईमेल द्वारा जानना चाहते थे कि प्रभु ने उनको कैसे चुना। जब पास्टर जी उनको बताते हैं कि वो एक साधारण स्त्री थी जो सिर्फ अपने घर और बच्चों को संभालती थी, तो वो और जानना चाहते थे कि प्रभु का वचन उनको कैसे मिला, प्रभु ने उनको कैसे चुना। तो पास्टर जी ने सोचा कि उनको कैसे बताएं। हम रोज़ ऑफ शैरन चर्च में हमेशा पास्टर जी के गवाही सुनते हैं कि वो प्रभु में कैसे आए, लेकिन जो भाई बहन दूर हैं वो कैसे जानेंगे। इसीलिए पास्टर जी ने सोचा कि क्यों ना एक इंटरव्यू हो जहां पर दूर दूर के लोग जान सके कि प्रभु यीशु ने उनको कैसे चुना, कैसे एक घर जो संभालती है उनको एक कलीसिया दिया, उनको रोज़ ऑफ शैरन ओल्ड एज होम कैसे संभालते हैं, कैसे प्रभु ने उनको चुना। थोड़ा समय काफ़ी नहीं है कि एक इंसान की पूरी ज़िंदगी संभाले, लेकिन एक छोटे इंटरव्यू के द्वारा हम आपको पास्टर जी के ज़िंदगी के बारे में बताना चाहते हैं कि प्रभु ने उनको कैसे चुना, उनको कैसे पास्टर बनाया और अब प्रभु का काम कैसे ज़ोर से रोज़ ऑफ शैरन चर्च में चलती है। इसीलिए आए और पास्टर जी की कहानी उनके मुंह से सुने, क्योंकि ये कहानी नहीं सच्चाई है। आप सुनकर विश्वास करें कि कैसे अगर राई भर का भी विश्वास आपके ज़िंदगी में है तो प्रभु यीशु आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। सुनिए और आशीषित हो, क्योंकि ये कहानी नहीं सच्चाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। नमस्ते, आपका स्वागत है एक खास प्रोग्राम एक मुलाकात पास्टर सरोजा के साथ। मेरा नाम है धर्मेश जयराज और मैं शुभ संदेश टीवी चैनल के लिए काम करता हूँ। आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं पास्टर सरोजा जी के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम। जैसे हमें काफ़ी दिनों से प्रोग्राम जो आप दर्शक लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, काफ़ी लोग हमें कॉल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पास्टर सरोजा जी के बारे में वो लोग अधिक जानकारी जानना चाहते हैं। पास्टर जी का चर्च कैसा है, मिनिस्ट्री कैसा है, वो कैसे प्रभु में आए, उनके टेस्टिमनी। इस कारण के लिए हम एक स्पेशल प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम ये कुछ दिन चलेगा ये प्रोग्राम और हम पास्टर जी से उनके बारे में थोड़ा जास्ती जानना चाहते हैं। पास्टर जी, पहला प्रश्न है जो कई लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, ये है कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, आप कहाँ स्कूल गए थे, आपका जिंदगी का शुरुआत कैसे था। मैंने जन्म हो गया था तमिलनाडु में तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में। हमारा माँ बाप सब हम लोग को परमेश्वर को जानता नहीं था, हम हिंदू धर्म का लोग था। लेकिन मेरा पहला 3 बच्चों का हमारा मम्मी का हमारा डैडी का घर में हिंदू धर्म से जन्म हो गया था। लेकिन मेरा समय मेरा मम्मी ने मेरा ग्रैंड मदर मेरा मम्मी का घर को गया था, मम्मी का मम्मी कैथलिक है, तो मेरा जन्मदिन कैथलिक के घर में हो गया था। हाँ, तो ऐसा बाइबल में लिखा है ना, यरमिया 1:5 में परमेश्वर ने माँ का गर्भ से हमको चुनता है। ऐसा मैंने जन्म लिया है कैथलिक के घर से था। फिर मेरा ग्रैंड मदर ने मेरे को नाम भी दूसरा रखा था, मेरा नाम रोज लीला करके रखा था। फिर मेरे पिताजी ने मिलिट्री में काम करता था, तो उसको छुट्टी मिलने के बाद घर आया था, फिर मेरा नाम सरोजा करके रखा था। तो मैंने ज़्यादा देखेगा तो जन्म लिया कैथलिक के घर में था और पढ़ाई भी हम आगे आगे देखेंगे तो ज़्यादातर पूरा प्रोटेस्टेंट स्कूल में मैंने पढ़ाया। तो छोटा बच्चा में हम लोग को बहुत छोटा बच्चों के साथ हमारा परिवार सब मिलकर हम लोग को बड़ा होके आया था, तो इसके लिए छोटा बच्चा का अनुभव कभी मैं नहीं भूल सकता है।
क्योंकि मेरा ग्रैंडफादर मेरा ग्रैंडमदर का साथ है, हम लोग को बड़ा होके आया था। तो छोटा बच्चा से हम लोग परमेश्वर का भय हमारे अंदर, वो लोग क्योंकि जॉइंट फैमिली था उसका कारण हम लोग को मन में था। इसके लिए छोटा उम्र का अनुभव मेरे लिए बहुत एक्सपीरियंस लगा। आगे भी आज भी मैं याद करता हूँ, छोटा उम्र के बारे में याद करता हूँ। या रियली ब्लेस्ड है, अभी हम लोग बहुत भाग्यवान लोग हैं, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हम लोग का साथ। जी, जैसे आप कह रहे थे काफी दर्शक है जो शुभ संदेश देखते हैं, उनका जन्म शायद क्रिश्चियन घराने में हुआ होगा या और कोई घराने में हुआ होगा, लेकिन जैसे आप कह रहे थे हमें ऐसे लग रहा था कि आपको परमेश्वर ने पहले से ही चुना था। आपने शायद प्रभु यीशु को बाद में ग्रहण किया अपने जीवन में, परंतु यीशु ने आपको आपके माँ के गर्भ से याद किया, चुना है। तो परमेश्वर ऐसा अनेक लोग को करता है। परमेश्वर बहुत लोग हम देखेंगे तो माँ का पेट से रहने के समय नाम देता है। ऐसा हमारा अभी मैं याद आता है मेरे को, हमारा चर्च में एक अनुभव है। ये एक कपल है, वो लोग दूसरा बेटी जन्म हो गया। दूसरा बेटी जन्म होने के बाद वो लोग हॉस्पिटल से फोन करके बोलते हैं अभी तीसरा बच्चा हमको नहीं चाहिए, हम दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, उसके लिए अभी क्या करने का, दूसरा भी बेटी हो गया। तो वो समय मेरे को हम लोग प्रार्थना करने के समय परमेश्वर बताया तीसरा बच्चा उसको बेटा होगा और उसका नाम भी परमेश्वर ने बताया। तो ऐसा हम लोग उसको एडवाइस किया, वो भी बात माना और रुका। वो समय फैमिली प्लानिंग किया नहीं था और दूसरा बेटा हो गया और कैसा नाम दिया लॉर्ड, वही नाम रखा है। आज वो बेटा अभी 16-17 इयर्स का बड़ा है। तो ऐसा परमेश्वर जन्म से, जन्म हम होने के पहले परमेश्वर हमारा बारे में जानता है, वो माँ बाप को चुनकर देता है। इसके लिए ऐसा नहीं है हम हिंदू में जन्म लिया, हम अन्य जात में जन्म लिया, ऊंचा जात नीचा जात ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का बिना हम दुनिया में आ नहीं सकते, तो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार ही हम दुनिया में आया है। पासी जी, हम आपसे और एक चीज जानना चाहेंगे कि आपकी शादी कैसे हुई, कहाँ हुई और आप मुंबई कब आए और कैसे आए? शादी 1973 में हो गया था मेरा शादी। तो शादी मेरा पति मेरे डैडी के और कजिन से था। तो शादी होके वो बॉम्बे आया 1973 में, वो एयर इंडिया में काम करता था। कैसा जॉब 23-14 में लिखा है परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा वस्तु रखा है, उसका साथ अनेक वस्तु भी रखा करके लिखा है। ऐसा मेरे को ये शादी बॉम्बे में आने क्या था, परमेश्वर को मिलने क्या था, सबक करने क्या था, तो परमेश्वर ये शादी ये तैयार किया। तो शादी करके मैं 1973 में कलीना में आया। आज 2017 हो रहे, मैं वो जगह में वो एरिया में मैं रहता हूँ। तो फिर वो सब परमेश्वर का कृपा है। क्या आप अपने परिवार के बारे में, आपके बच्चों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? शादी होने के बाद 1974 में मेरा बेटी जन्म हो गया था। 1977 में मेरा एक बेटा जन्म हो गया था। मेरा बेटी आज भी मेरे साथ है मिनिस्ट्री में, वो मदद करता है, वो बम्बे में सेवा भी करता है, काम भी करता है ऑफिस में और मिनिस्ट्री में भी, मैगजीन बनाना और चर्च में बाइबल रीड करना। मैं किधर बाहर मीटिंग जाता तो मेरा बेटी मिनिस्ट्री संभालता है, तो वो मेरे साथ है। मेरा बेटा दुबई में है, अभी 15 साल हो गया वो दुबई में एयरोनॉटिक इंजीनियर में, एमिरेट्स एयरलाइंस में वो काम करता है। उसको भी शादी हो गया, उसको भी एक बेटा है। तो हम लोग दो बच्चा लोग खुशी है। जैसे आप कह रहे थे कि परमेश्वर ने आपका बचपन से लेकर आपके शादी, आप बॉम्बे में आए, आपके बच्चे, परमेश्वर ने एक योजना आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए बनाई थी। इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ काफी दर्शक होंगे जो अपने जीवन में समझ नहीं पा रहे होंगे क्या हो रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है, क्या आप परमेश्वर की योजना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? परमेश्वर
परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर किसको जानता है वो जरूर वो लोग को बुलाता है, किसको चुनता है वो आशीष देता है। तो परमेश्वर ऐसा हमारे जीवन में मिलता ही इसी है, लेकिन उसको फिर परमेश्वर का प्यार से रहना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा हम परमेश्वर चुना है, शादी हो गए वो समय हम परमेश्वर का कार्यों को जानता नहीं था, वो परमेश्वर का आशीष से करके भी मैं नहीं जानता था, लेकिन बहुत साल का बाद तो परमेश्वर ने हमको चुना है। परमेश्वर का और आने के समय में कितना शादी होके 18 साल का बाद परमेश्वर का बस आया था। वो समय तक हम अन्य लोग था, कैसा अन्य लोग जी रहे दुनिया पर, इससे ऐसे हम जिया था हमारा इच्छा से, हमारा बुद्धि से, हमको क्या दुनिया में अच्छा लगता है वो सब करता था। मीन्स परमेश्वर को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कार्य सब हम किया था, लेकिन परमेश्वर मिलने के बाद उसका आलोचना अलग है हमारे जीवन में। उसके बाद ये दुनिया का तेरी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, दुनिया लोग को क्या पसंद है वो अच्छा नहीं लगता है, उसके बाद हमारा जीवन एक कम्प्लीट चेंज होता है। उसमें हम मालूम पड़ते हैं परमेश्वर का चुनना, परमेश्वर हमको चुनना, हम परमेश्वर का चुनना बहुत अलग अनुभव है हमारे जीवन में। तो मेरे को 18 साल का बाद तो परमेश्वर मिला है मेरे जीवन में, तो मैं तो आज बहुत खुशी हूँ परमेश्वर मेरे जीवन में मिलने में। इसके लिए परमेश्वर बहुत अच्छा है। परमेश्वर किसका जीवन में मिलता है वो सब कुछ आपके जीवन में कर सकता है। वो परमेश्वर का आलोचना क्या है वो आप जानकर परमेश्वर को और प्यार करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ कर सकता है, कैसा हमारे जीवन में किया है। अभी हम देखेंगे तो एक एक बात तो हम भूल कर जाएंगे, तो परमेश्वर का कार्य तो भूल नहीं सकते, हर दिन उसका कार्य नया अतिशय होता। जैसे आप बता रहे थे पास्टर जी की परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन के लिए, तो हम आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे कि परमेश्वर ने, आपने परमेश्वर को कब चुना, आपने परमेश्वर यीशु को अपने जीवन में कब ग्रहण किया, कैसे ग्रहण किया? मैंने परमेश्वर को नहीं चुना था, परमेश्वर ने मेरे को चुना था। प्रेज़ द लॉर्ड। अधिकेंगे तो शादी होके 18 साल का बन बम्बई में विद हैप्पी फैमिली हम कोशिश रहता था। 15 किलोमीटर का दूर से ऐसा हम कलीना विलेज में रहते हैं, एयर इंडिया कॉलोनी से एक दिन एक सिस्टर आया था, वो एक बाइबल लेके आया था। बाइबल लेके आके मेरे को बोला था परमेश्वर आपके ऊपर प्यार करता है, आप ये बाइबल पढ़ो, आप अच्छा, आपको अच्छा होएगा, परमेश्वर आपको ढूंढ कर आए आज आपका घर में, ऐसा बोलकर मेरे को बहुत कुछ परमेश्वर के बारे में बताया, एडवाइस किया था। तो मैं वो बाइबल को लेकर, मैं जानता था परमेश्वर के बारे में, मेरा ग्रैंड मदर कैथलिक है, मेरा स्कूल टाइमिंग ऑल प्रोटेस्टेंट स्कूल आई स्टडीड, एवरी मॉर्निंग दे विल प्रे, देन ओनली दे विल अलाउड द स्टूडेंट्स टू एंटर द स्कूल। फिर भी मैं परमेश्वर को ज़्यादा नहीं जानता था, परमेश्वर को नहीं मानता था, संकट का समय परमेश्वर को नहीं पुकारता था, क्योंकि मेरा पूरा परिवार मेरा रहते चारों ओर सब लोग हिंदू धर्म का था, इसके लिए हम हिंदू धर्म में पढ़ा हो के आया था। तो इसका कारण वो बाइबल दिया, बाइबल को कबड़ में रखे मैं चुपचाप बैठा था, ऐसा डेली लाइफ कैसा ऐसा हम जिया था। लेकिन अचानक मेरे शरीर में दो साल का बाद पूरा बॉडी में एलर्जी होने लगा। तो एलर्जी हो गया, तो मेरा हस्बैंड एयर इंडिया में काम करता है, उसको मेडिकल सब फ्री है, बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास जा सकते हैं, तो बहुत कुछ डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को मिला, मेडिसिन खाया, बहुत कुछ ब्लड टेस्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन ये एलर्जी मेरे शरीर में निकल कर जाते नहीं था। तो मेरा नेबर वो अगल का अभी भी है, उनको मेरे को एडवाइस किया, यीशु के बारे में बताया, ये मिनिस्ट्री के बारे में बताया, मेरे को मिनिस्ट्री को बुलाया, आपको उधर आएगा तो ये चंगा आप पा सकता है, आशीष मिल सकता है। तो मैं मेरे पति से पूछा, मेरे पति भी बोला इतना दवा सब काके हो गया, चलो ये जाके आओ। तो मैं गया, एक हफ्ता गया, दो हफ्ता गया, और 2-3 महीना में मेरे शरीर में वो एलर्जी कम होने लगा, और मैं परमेश्वर को भी थोड़ा थोड़ा जानने लगा और परमेश्वर को और प्यार करने लगा।
फिर मेरा एलर्जी कंप्लीट होने के बाद फिर मेरा पति बोलने लगा, अभी तुम मत जाओ, तुम अच्छा हो गया, अभी तुम वो चर्च को जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो समय का मैं, वो 3-4 महीना समय में मैं परमेश्वर को जानने लगा, सच्चाई को जानने लगा, सत्य को जानने लगा और परमेश्वर के ऊपर प्यार करने लगा। तो फिर हमारे घर में प्रॉब्लम शुरू होने लगा, तो फैमिली के अंदर प्रॉब्लम होने लगा। लेकिन मेरे को मैं पहला भी बोला था, चिल्ड्रन का जिंदगी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वो मेरे को याद आता है, हमारा गांव में थोड़ा दूर में एक जगह है, उधर नंस लोग रहता है। वो नंस लोग क्रिसमस टाइम को वो गांव का लोग को वो जगह में अलाउड करता है। उधर अच्छा येसु के बारे में पिक्चर बताएगा, कोल्ड ड्रिंक देगा, केक देगा और येसु के बारे में स्टोरी बताएगा। हम लोग को स्कूल टाइम हर साल क्रिसमस का टाइम उधर जाता था, वो लोग बुक देगा, वो लोग येसु के बारे में बहुत, तो आजकल ऐसा लोग मिलते नहीं है, वो लोग बहुत प्यार से प्रेम से वो लोग बात करेगा। उधर बहुत अनाथ बच्चा लोग भी वो लोग संभालता था। तो वो सब सुनने के बाद वो सब याद वापस मेरे को आने लगा। ये सिस्टर ने येसु के बारे में सच्चाई के बारे में मेरे को बात करने का समय उतना याद नहीं आया। ये चर्च में जाके वचन सुनकर परमेश्वर का प्यार को देखने के समय मेरे को वो सब याद आने लगा। बच्चा में वो लोग कैसा येसु के बारे में बात किया, कैसा प्यार दिखाया, वो सब याद आने लगा। उसके बाद मैं परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करने लगा और परमेश्वर से आज तक मैं हूँ। ये मेरा हाँ परमेश्वर, तो हम परमेश्वर को चुनता नहीं है, हम चुनने में परमेश्वर हमको चुनना वो बहुत मजबूत रहता है, मजबूत रहता है। हम परमेश्वर को चुनते हैं, कभी हमारा तकलीफ आता है, दुख आता है, हम अनेक लोग हम देख रहे हैं वो लोग फिर वो भूल जाता है, फैमिली के कारण नहीं तो उनका तकलीफ कारण दूर रहने के कारण ऐसा अलग अलग रीजन उनका मन फिर बात में ठंडा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर किसको चुनता है उसका आत्मा है, कोई उसको छीन नहीं सकता है। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा एडवाइस है दूसरे लोग को भी। मासी जी जैसे आप बता रहे थे मेरे मन में दो प्रश्न आए। एक तो बाइबल कहता है, पवित्र बाइबल ये कहता है कि पवित्र आत्मा हमें याद दिलाती है जो भी हमारे जिंदगी में गुजर। जैसे आप कह रहे थे कि बचपन में ही आपके गांव के यहाँ पे नन लोग थे, आपको क्रिसमस के टाइम पे आपको बुलाते थे। सो इस बात पर आप कुछ कहना चाहेंगे, पवित्र आत्मा कैसे हमसे बात करता है, हमें कैसे याद दिलाता है परिस्थितियों को, लोगों को, यीशु को? पवित्र आत्मा तो हमको पहला यीशु को पर प्यार दिखाता है। तो हम पवित्र आत्मा पाने के पहला हमारे लिए परमेश्वर हमारे ऊपर कितना प्यार किया वो याद करना पड़ता है। परमेश्वर देखो, हम पापी था, हम अंधकार में था, हम परमेश्वर को जानता नहीं था, लेकिन हमारा पाप का कारण, हमारा अशुद्ध का कारण हमको मुक्ति देने के लिए हमारा परमेश्वर ने यीशु मसीह ने क्रूस पर मरा है। वो याद तुम्हारे जीवन में आता है, वो प्यार आता है, तो पवित्र आत्मा फिर आपको और ज़्यादा परमेश्वर के बारे में, उसका प्यार के बारे में आपको सिखाना लगता है। तो पहला आपका मन में ये प्यार आना चाहिए, परमेश्वर आपके लिए मरा है। आप परमेश्वर को जानता नहीं था, आप पाप में था, लेकिन परमेश्वर आपको आपका पाप से मुक्ति देने के लिए वो क्रूस पर मरा है। वो याद आपके जीवन में रहता है, फिर सेकंड स्टेप आपको पवित्र आत्मा आगे कैसा जीने का, कैसा आप हर दिन कैसा अच्छा बात सोचने का, अच्छा बात करने का, ये सब पवित्र आत्मा फिर आपको याद करते रहेगा। ये हमारा मेरा अनुभव है। और जैसे आप अभी कह रहे थे, बता रहे थे आपके जिंदगी के बारे में कि परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया, आप कई डॉक्टर के पास गए थे, काफी लोगों के पास गए थे, बहुत कुछ डॉक्टर के पास गया, बहुत कुछ लोगों को मिला, बहुत लोग दूसरा कुछ कुछ ही बोलता था, सब हम लोग को भय भय दिया, फिर दूसरा रास्ता बताने लगा। वो सब मैं बताना नहीं चाहता हूँ, वो सब लोग जानना भी नहीं चाहिए, ऐसा सब लोग मेरे को बताया था। लेकिन हमारा मन वो समय भी ऐसा सब चीज़ में नहीं गया था, विश्वास ही नहीं था, लेकिन
वो तो परमेश्वर का आलोचना हो सकता है, लेकिन इसमें फिर आया हमारा नेबर था, उसके ऊपर मैं भरोसा किया। वो टाइम वो समय है, अभी तो हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। वो उसका बात मानकर हम उधर आया था, तो उसका बात मेरा जीवन बहुत कुछ चेंज हो गया। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। ऐसा मेरा जीवन में बहुत बदलाव तो परमेश्वर ने लेके आया है, वो कोई जान नहीं सकते, किसको बता भी नहीं सकते, उतना बदलाव तो परमेश्वर मेरा जिंदगी में लेके आया है। हमारे दर्शक इतने एनकरेज हो गए आपके ये बात सुनते, आपकी गवाही सुनते कि कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है। आप परमेश्वर एक चंगाई देने वाला परमेश्वर है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? परमेश्वर हमको चंगा देने के लिए तो ये दुनिया में आया है। परमेश्वर देखो ये दुनिया में रहने के समय भी परमेश्वर का मिनिस्ट्री का सेवा में ज्यादा लोगों को चंगाई किया है। कितना आप बाइबल पढ़ेगा, आप लोग बाइबल पढ़ने के नया आएंगे तो अभी किधर वचन सुनाते हैं, आप वचन सुनने में आप समझ सकते हैं परमेश्वर कितना बड़ा बड़ा कार्य, कितना बड़ा बड़ा लोगों को चंगा किया गया, शत्रु का हाथ से मुक्ति दिया गया, बीमारी में मुक्ति दिया गया, पाप का और आते बीमारी में मुक्ति दिया गया। परमेश्वर चंगा देने के लिए, हमारे पाप से हमको अलग करने के लिए राजा आदि राजा होने के बाद भी वो दुनिया में हमारा ऐसे एक इंसान रूप में आया गए, हमारा दुख हमारा दर्द वो जानने के लिए, महसूस करने के लिए वो जानता है हमारा दुख क्या है, हमारा दर्द क्या है, हमारा निंदा क्या है, वो जरूर आपको चंगा करे देगा, वो हमारा विश्वास है। क्या आप दर्शकों के लिए जो अभी बीमारी में है, दर्द में है, उनके लिए आप प्रार्थना करना चाहेंगे? प्रार्थना हम हर सैटरडे हमारा सभा में हीलिंग सर्विस है, बहुत लोग आता है, कितना लोग कैंसर बीमारी में चंगा होकर भी लोग है, कुष्ठ लोग में चंगा होकर लोग है। अभी लास्ट वीक एक बहन ने गुजरात से आया था, उसको कैंसर बीमारी था स्टमक में पेट में, उसको प्रार्थना किया। अभी आज वो फोन करके सुबह बोला उसको अभी बहुत अच्छा लगता है, वो खाना खा सकता है। 15 दिन से उसको खाना खाने के नहीं होता था, लेकिन परमेश्वर का कृपा से अभी 3 दिन से उसको खाना खाने के लिए होता है। मैं इतना बोलूंगा आप लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, किधर भी मिनिस्ट्री है, अच्छा हीलिंग सर्विस है, हीलिंग सर्विस में आप लोग जाओ, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, वो जरूर परमेश्वर आपको छुएगा, आपको बीमारी से मुक्ति जरूर देगा, ये मेरा विश्वास है। पास्टर जी, जैसे आप बता रहे थे कि आपके चर्च में काफी हीलिंग्स हो रहे हैं, परमेश्वर एक महान कार्य कर रहा है, और काफी लोग चंगाई पा रहे हैं। अभी आपने एक सिस्टर के बारे में बताया जो गुजरात इतने दूर से मुंबई आई, आपसे प्रार्थना करवाया, चंगाई हो गई। क्या आप और जानकारी दे सकते हैं, और भी आप गवाही बता सकते हैं जो परमेश्वर कर रहा है? गुजरात से इतना दूर से आया, हम पहला गुजरात में भी मिनिस्ट्री जाता था, तो उधर परमेश्वर ने बहुत लोगों के जीवन में कार्य किया, वो देखकर वो सुनकर वो बहन ने गुजरात से आया आके प्रार्थना किया, अभी वो कहता है वो अच्छा है। ऐसा हमारे चर्च में बहुत लोग को परमेश्वर ने चंगा किया है, कितना लोग कितना साल से बॉन्डेज में था, परमेश्वर ने वो बॉन्डेज तोड़कर उनको एक नया जीवन जिंदगी परमेश्वर ने बनाया है। कितना लोग को शत्रु का तकलीफ था, वो लोग बहुत दरिद्र में था, परमेश्वर उन लोग को भी छुटकारा देकर आज उन लोग भी अच्छा तरफ से परिवार का साथ रहता है। ऐसा कितना लोग कैंसर में, एक आदमी एक अंगल अभी भी मिनिस्ट्री में है, कैंसर चंगा होके वो साक्षी है, कुष्ठ रोग में चंगा होके वो ब्रदर अभी भी चर्च में है, और कितना लोग परमेश्वर का हाथ में मेरिकल ऐसा होने के बाद परमेश्वर को भूल भी गया है, तो वो तो हमेशा रहता है। यीशु मसीह भी ये दुनिया में रहने के समय परमेश्वर कितना लोग सब अच्छा अच्छा कार्य किया है, कितना लोग चंगा किया, कितना लोगों को खाना खिलाया, कितना लोग पाप को परमेश्वर ने मुक्ति किया। फिर भी देखो अंत में क्या हो गया, परमेश्वर यीशु मसीह को साथ सच्चाई का साथ कोई नहीं था, ऐसा कोई है क्या ना, वो बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज भी मिनिस्ट्री में वो काम कर रहा है। इसके लिए सैटरडे वो जगह में हीलिंग मिनिस्ट्री रखा है, हीलिंग मिनिस्ट्री ओनली फॉर द हीलिंग पीपल कम्स, ऑल कास्ट है, ऑल जात है, यार हर बहुत लोग क्या सैटरडे हीलिंग सर्विस में भी नहीं आना क्या,
अदर डे साइलेंसली आने का यू नो अदर मिनिस्ट्री पीपल दे डोंट वांट टू कम टू सैटरडे दे डोंट वांट टू अदर टू नो यू नो अदर इवन रिच पीपल दे डोंट वांट टू नो सो लाइक दैट मेनी मिनिस्ट्री पीपल कम्स इन अदर वीकेंड वीक टाइम दे डोंट वांट टू नो फ्रॉम देयर फ्रॉम दैट मिनिस्ट्री फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री And even Catholic people also, they won't come Saturday thinking they will get message from their churches and their pastors not happy. So they come in the quietly weekend time and they will ask, pray. And with prayer, so many people are healed. There are no counts. इतना परमेश्वर ने कार्य किया है वो जगह में. हमारा और नहीं है. यीशु मसीह के नाम से वो जगह परमेश्वर ने चुना जगह है उधर पवित्र आत्मा आके बात किया ये जगह में सैटरडे हीलिंग मिनिस्ट्री रखो मैंने कार्य करेगा वो परमेश्वर आज भी वो वचन पूरा कर रहा है कार्य वो जगह में हो रहा है ये परमेश्वर का कृपा है यू नो मेनी पीपल बहुत लोग को परमेश्वर वो जगह में चंगा किया है कैसा मेरे को चंगा किया है तो ऐसा आज बहुत लोग है परमेश्वर ने अच्छा कार्य किया है जैसे आप कह रहे थे पास्टर जी पहले परमेश्वर ने स्वयं आपको चंगाई दी और फिर आपके द्वारा परमेश्वर महान कार्य कर रहा है लोग चंगाई पा रहे हैं सो हमें ऐसे लग रहा है कि हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए आप दर्शकों के लिए प्रार्थना कीजिए प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते पिता आप कितना अच्छा परमेश्वर है प्रभु हम एक समय तो हम आपको जानता नहीं था प्रभु लेकिन हम आपको जानने के बाद हमारे जीवन में आपने कितना आशीष दिया प्रभु कितना अच्छा आरोग्य दिया प्रभु आज भी प्रभु परमेश्वर ये प्यारा लोग दूर दूर से प्रभु ये प्रोग्राम देख रहे प्रभु प्यारा परमेश्वर और का जीवन में भी विश्वास को बढ़ाना प्रभु परमेश्वर वो लोग भी आपको जाने दे प्रभु परमेश्वर प्यारा परमेश्वर वो लोग आप छूना प्रभु उनका जीवन में कुछ भी तकलीफ रहने दे प्रभु उनका शरीर में कौन सा भी बीमारी रहने दे प्रभु परमेश्वर उनका घर में कितना भी अशांति रहने दे प्रभु परमेश्वर प्यारा परमेश्वर आपका नाम से हर प्यारा लोग के जीवन में आशीष मिलने दे हर शरीर में बीमारी निकल कर जाने दे प्रभु परमेश्वर उनको छुटकारा पाने दे प्रभु परमेश्वर कितना बड़ा बड़ा बीमारी ये दुनिया में प्रभु नाम नहीं जानता ऐसा बीमारी ये दुनिया में आया प्रभु परमेश्वर हर बीमारी को चंगा करने वाला दवा आपका बस है प्रभु आपका नाम सबसे ऊंचा नाम है प्रभु परमेश्वर आपका नाम से हम मांगते पिता प्यारा लोग आप छूना प्रभु प्यारा परमेश्वर अरु प्यारा लोग आरोग्य पाने दे प्रभु आशीष पाने दे खुशी पाने दे प्रभु हर घर में शांति आने दे प्रभु हर परिवार में प्रभु परमेश्वर शांति आने दे प्रभु परमेश्वर प्यारा परमेश्वर आपको संकट का समय पुकारते उनका साथ रहना उनका प्रार्थना सुनना आशीष देना पिता मैं मांगता हूँ पिता परमेश्वर ये प्रार्थना सुन रहे हर प्यारे लोग आप जान रहे प्रभु देख रहे प्रभु उनका मन को आप जानते प्रभु विश्वास को सुन रहे देखते प्रभु उनका जीवन में आशीष देना खुशी देना शांति देना आपका पवित्र आत्मा दिया आशीष दे आशीष आप पाने दे छोटा प्रार्थना यीशु का नाम से प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद दर्शकों की आपने अपना मूल्यवान समय दिया इस प्रोग्राम में हमने पास्टर जी के जो शुरुआत के दिन थे जैसे उन्होंने यीशु को ग्रहण किया वो हमने सीखा अगले बार उन्होंने अपना मिनिस्ट्री कैसा शुरू किया वो अलग अलग कार्य जो परमेश्वर उनके द्वारा कर रहे हैं उसके बारे में हम जरूर देखेंगे हम आपसे विनती करते हैं कि अगले बार इसी चैनल पर आप हमें जरूर देखिए यीशु के नाम प्रेस्ट। प्रेस्ट।